हेलो हाय फ्रेंड, मेरे इस चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हेडिंग देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह के कॉटन रोप ले लीजिए और उसे 25 सेंटीमीटर इस तरह काट ले। काटने के बाद इनके दोनों छोरों में इस तरह गांठ बांध दे। उसके बाद 15 सेंटीमीटर काट कर इसमें भी दोनों ओर गांठ बांध ले। अब हमें क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, इस तरह के लेस वाले कपड़े यानी तो किसी भी तरह का कोई कपड़ा आप ले ले। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, इसके साइड के दोनों साइड को मिलाकर सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद में हमें क्या करना है, इसे उलट देना है। उलट देने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें रनिंग स्टिच बनाएंगे। रनिंग स्टिच इस तरह सुई को घुसाकर, सुई सूता घुसाकर इसके चारों ओर सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद या कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर रनिंग स्टिच कर दिया है। देखिए ये सिलाई जो दिख रहा है इस तरह। अब हमें क्या करना है, इस रनिंग स्टिच को पकड़कर, इसके दोनों सूत्र के दोनों सिरों को पकड़कर इसे इस तरह टानना है। टानने से यह श्रिंक हो जाएगा, इस तरह श्रिंक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो रोप जो है, ये लंबा जो रोप है, इस रोप को इसके अंदर घुसा देना है। इस तरह बराबर करके घुसा देना है। और घुसा देने के बाद इन दोनों सिरों को इस तरह टान लेना है। टान लेने से इस तरह यह टाइट हो जाएगा और यह एक फ्रॉक की तरह बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस जगह हमें इसे सूते से टाइट बांध लेनी है या नहीं तो फिर इसे हमें सिलाई कर लेनी है। सूते से इस तरह बांध ले या नहीं तो इसे सिलाई कर दे। अब जो दूसरा जो रोप है, इसे क्या करें, ग्लू गन की सहायता से इसके पीछे रख ले। इसके पीछे रख कर इस तरह ग्लू गन इसमें सटा दे। इस तरह ग्लू गन सटाने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, एक छोटा लेस लेना है और इस लेस को इस तरह घुमाकर, इस तरह घुमाकर यहाँ ग्लूगन की सहायता से इसे चिपका लेना है। तो चलिए मैं इतना सारा काम करने के बाद आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने ग्लूगन से इसे चारों तरफ चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो किनारे जो है लेस दिख रहा है, इस लेस को रनिंग स्टिच कर देना है और उसके बाद रनिंग स्टिच कर इस तरह इसे दबा देना है। दबा देने से ये सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाने के बाद क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर का एक राउंड बनाना है और उसके अंदर रुई को घुसा देना है। और घुसा देने के बाद इस तरह टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ग्लू गन की सहायता से इसे इस तरह चिपका देंगे। तो चलिए ग्लू गन की सहायता से चिपकाने के बाद आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने सिर को ग्लू गन की सहायता से लगा दिया है। अब हमें इसका हेयर बनाना है। तो हेयर बनाने के लिए हम ऊन का यूज करेंगे। तो ऊन की लंबाई यहाँ पर मैंने 18 सेंटीमीटर ली है और ये लगभग 50 लच्छी होगा। ये अगर एक एक ठो गिनेंगे तो ये 50 होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके सिर पर इस तरह ग्लू गन की सहायता से इसे चिपका लेना है और सामने के पोर्शन में इस तरह छोटा से एक उंगली में लपेट कर इस तरह बना ले और उसे सामने इस तरह चिपका दे। तो इसका लुक कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए मैं बाल लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारे गुड़िये में बाल भी लग गया है। देखिए मैंने ऊन से बना दिया है और इसका पीछे का लुक इस प्रकार है और मैंने इसे बराबर से इस तरह काट दिया है और देखने में यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका फाइनल टच देना है और वो क्या है, इसकी आंख नाक मुंह बनाना है। तो चलिए आंख नाक मुंह बनाने के बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यह रहा मेरे गुड़िये का फाइनल लुक। इस तरह के गुड़िया बनाकर आप सेल कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के बना सकते हैं और इसे आप शोकेस में रख सकते हैं, बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं या नहीं तो फिर आप अगर सेल करना चाहें तो इस तरह के बढ़िया बढ़िया गुड़िया बनाकर आप लोग सेल कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।